काफी भव्य आयोजन हुआ और मैं सफल आयोजन की खूब खूब बधाई देता हूँ। मैं पहली बार भावनगर आया हूँ और युवराज साहब ने और यहाँ के समस्त युवा साथियों ने जो ये आयोजन रखा है, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, आप अपन से उम्मीदवार हैं राजस्थान से और दिल्ली से जीते हैं। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी है अभी यहाँ बैठा है, उनकी तरफ से क्षेत्रीय समाज को नजरअंदाज किया जाए, आपका क्या कहना है? आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देंगे और जाहिर सी बात है कि न सिर्फ गुजरात में, साथ ही साथ राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल है, उत्तराखंड है और जहाँ जहाँ पे भी है हमारे लोग हैं, अगर किसी को नज़रअंदाज किया गया तो जाहिर सी बात है सूद समेत हिसाब लेंगे उनसे। सर, गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में क्षेत्रीय समाज का समूह बहुत बड़ा है, मतदान इतना बड़ा है, क्या ऐसा किया जाए कि क्षेत्रीय समाज की नॉन ली जाए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो क्षेत्रीय समाज जहाँ कहीं पर भी रहा है उनका हमेशा एक 36 कौम का साथ उनके साथ हमेशा रहा है और जाहिर सी बात है कि वर्तमान समय में भी अगर कोई भी सरकार अगर आती है तो वो क्षत्रिय समाज के साथ और सहयोग के साथ ही आती है। और क्षत्रिय सहयोग, मैं क्षत्रिय समाज की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि क्षत्रिय का मतलब भी 36 कौम के साथ में लेके चलने वाला होता है जी। सर, ऐसा अभी अब तक परिणाम आया है कि क्षत्रिय समाज का समूह होना चाहिए, संगठन हो जाए, कहीं ना कहीं एंड टाइम आता है तो वहाँ पर टूट जाता है, तो क्या क्षत्रिय नहीं, बिल्कुल सब एक साथ हैं, एकजुट हैं और जब कभी भी ज़रूरत रहती है हम सब न सिर्फ गुजरात बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर जगह जहाँ पे भी हमारे लोग हैं हम सब एक हैं और मजबूती से 36 कौम के लिए हमेशा लड़ते आए और आने वाले समय में भी जहाँ कहीं पे ज़रूरत रहेगी लड़ेंगे। आज विजयादशमी का अवसर है और मैं आप सभी के माध्यम से पूरे देश को विजयादशमी की खूब खूब बधाई देता हूँ। धन्यवाद।